वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। पूरी दुनिया जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रही है, वहीं इन दिनों भारत चक्रवात जैसे मुसीबतों का भी सामना कर रहा है। अम्फान और निसर्ग के बाद अब एक और तूफान भारत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। अगले कुछ दिनों में इस तूफान के भारतीय तट से टकराने की उम्मीद है। हालांकि इस बार चक्रवाती तूफान की जगह इसे डिप्रेशन में बदल जाने की आशंका है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कब आ रहा है यह चक्रवात और किस राज्य को है इससे सबसे ज्यादा खतरा। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है। यह कम दबाव वाला क्षेत्र चक्रवात तूफान का रूप ले सकता है। इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि मौसम विभाग अगले 4 से 5 दिनों तक इस पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर कम दबाव वाला क्षेत्र तूफान का रूप लेता है तो यह 10 या 11 जून को बंगाल की खाड़ी की तरफ से ओडिशा के तट पर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगर यह दबाव चक्रवाती तूफान में तब्दील नहीं होता है तब भी तटीय इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। 10 जून के आसपास ओडिशा में भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि कम दबाव का क्षेत्र अगले सप्ताह ओडिशा की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कम दबाव एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है और किसी चक्रवात का पहला चरण होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए, लेकिन हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि देश में पिछले एक महीने के अंदर 2 चक्रवाती तूफान आ चुके हैं। पहला तूफान पिछले महीने बंगाल में आया था, जो कि इस सदी का भारत में आने वाला पहला सुपर साइक्लोन था। इस तूफान ने बंगाल और उड़ीसा में भयानक तबाही की थी। इसकी वजह से बंगाल में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बंगाल सरकार के अनुसार इस अम्फान तूफान की वजह से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राज्य को नुकसान हुआ है। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने से निसर्ग ने तबाही मचाई थी। इस चक्रवाती तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग तूफान से भारी नुकसान हुआ था, जबकि महाराष्ट्र में इस तूफान के वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, इस चक्रवात की वजह से महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश भी हुई थी। तो ये थी ओडिशा में आने वाले तूफान पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही एक के बाद एक आने वाले तूफान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।